Hello, good morning students, class 9th. We were studying the chapter quadrilaterals, and under the chapter quadrilaterals, today we are going to start the new topic, that is midpoint theorem, right? According to midpoint theorem, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Yani ke, agar kisi bhi triangle mein, aapne do side ke midpoint le liye, aur un dono ko join kar diya, to wo जो लाइन आपने ज्वाइन की है दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है, राइट? प्रूफ करने के लिए आपके पास व्हाट इज गिवन, वी हैव बीन गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, एंड लेट अस सपोज ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस ऑफ द टू साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, राइट? आपके पास ई एफ जो है मिड पॉइंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम व्हाट डज इट स्टेट्स दैट इफ यू जॉइन ई एफ देन दिस ई एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना है, राइट? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए बी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस सपोज सी एक्स बी एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू सी एक्स, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है किसके, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, राइट? एंड वी विल प्रोड्यूस दिस ई एफ टू अ पॉइंट, लेट अस सपोज डी, डी तक उसको प्रोड्यूस किया है, ई एफ को आगे प्रोड्यूस किया है जो सी एक्स को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? फिर से बता रहा हूं कि आपके पास गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल आपको गिवन है, E and F are the midpoints of side AB and AC respectively. Then under construction, to prove that EF is parallel to BC, what we have done, we have drawn CX, a line parallel to AB. AB ke parallel humne ek line draw kiya hai CX ko, right? And we have produced EF to the point D where it intersects the line CX. CX ko jahan pe intersect karta hai, wo hai point D. Theek? Ab aapko karna kya hai? कि आपको ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ गिवन तो आप लिख लेंगे, टू प्रूफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, राइट? दिस इज टू बी प्रूफ, राइट? एंड फॉर प्रूविंग दिस कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है, ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस ई एफ टू द पॉइंट डी वेयर इट इंटरसेक्ट्स. इन कंस्ट्रक्शन व्हाट हैव यू डन, draw CX parallel to AB. आपने CX parallel to AB draw किया है and produce EF such that it intersects the line CX at D. अब D पे जो है उसको intersect कर रहा है EF को आगे produce करके, right? उसके बाद इसको कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ देखिए इसका कि आपने दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ट्रायंगल लेना है AEF, ये वाला ट्रायंगल AEF, right? और दूसरा ट्रायंगल लेना है आपने FBC, ये वाला ट्रायंगल, राइट? और इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा कि जो CD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल आपको प्रूफ करना है. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. सबसे पहले तो आपने AB इज पैरेलल टू CX, देयरफॉर दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. आप देख सकते हैं ये दो लाइन है पैरेलल है और ये इसके AC इसके लिए क्या किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा. इस ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो एंगल है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर दे आर इक्वल. आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं आप, FDC, राइट? FDC में क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. व्हाई? आप लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? नेक्स्ट इज AE इज इक्वल टू FC. क्यों? AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू FC. व्हाई? बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का क्या है, ये मिड पॉइंट है. F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इट वॉज गिवन, राइट? देयरफॉर AF इज इक्वल टू FC.
एंड नाउ दिस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल लिख लीजिए इसमें एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी, डी एफ सी. वाई? दीज आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल से इसलिए ये इक्वल हुए. ठीक, अब देखें एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और ये एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल Therefore, both the triangles, triangle AEF is congruent to triangle FBC by ASA rule. Angle side angle rule से ये दोनों क्या हो जाएंगे? Congruent हो जाएंगे. अब देखिए, जब ये दोनों triangle congruent हो गए, तो by CPCP, CPCP से CD is equal to क्या हो जाएगा? AE. This implies CD is equal to AE by CPCP. राइट, सीपी सीटी से ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. दिस सीबी इज गोना बी इक्वल टू एई. लेकिन जो एई था वो किसके इक्वल था? ईबी के. क्यों था? बिकॉज़ ई वाज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ई जो है मिड पॉइंट था एबी का. देयरफॉर एई इक्वल्स टू ईबी. दिस इंप्लाइज एई इक्वल्स टू ईबी इक्वल्स टू सीबी. राइट, ए ई इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू सी डी. ठीक, अब देखें व्हेन ई बी इक्वल्स टू सी डी, जब ई बी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे. आप देखिए कि जो हमने ए बी के पैरेलल जो है इस सी डी को ड्रॉ किया था, अब ई बी जो है पैरेलल हो गया है सी डी का. दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज ई बी इज इक्वल टू सी डी एंड ई बी इज पैरेलल टू CD. EB जो है इक्वल भी हो गया इसके CD के और पैरेलल भी हो गया CD का. दिस इंप्लाइज EB CD, ये जो फिगर है EB CD, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. राइट, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. एंड इफ EB CD इज अ पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज EF, क्योंकि ED इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा. जब ED पैरेलल है BC के, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूफ्ड. राइट, इस प्रकार से आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे. राइट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि AB के पैरेलल एक लाइन CX ड्रॉ करना है. ठीक, उसको जो है EF को आगे प्रोड्यूस किया D तक, इन दोनों ट्रायंगल्स को ASA से कॉन्फिडेंट प्रूफ किया. कॉन्फिडेंट प्रूफ करने के बाद CD इज इक्वल टू AE प्रूफ किया, और AE किसके इक्वल था? EB के इक्वल था. तो EB और CD दोनों इक्वल हो जाएंगे. जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल. राइट, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल तो वो थे ही, इक्वल भी हो गए. देयरफॉर EB CD इज अ पैरेललोग्राम. और जब EB CD पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. राइट, तो वही आपने अप्लाई किया है कि ई एफ तब क्या हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्योंकि ई डी जो है वो ई एफ, एफ पॉइंट जो है ई डी पे ही है, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस मिड पॉइंट थ्योरम इज प्रूफ. थैंक यू.